ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल इलैप्स बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रीचेस हाफ ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट। फाइन। सो देखो, आरसी सर्किट की अगर हम बात करें देन आरसी सर्किट में आपके पास बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। सर्किट में तीन चीज़ें होती हैं, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है। टी इज इक्वल टू जीरो पे जब आप इस सर्किट को क्लोज करोगे, कंप्लीट करोगे, देन इस सर्किट में एक करंट आएगा और उस करंट के कारण ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। इस कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा क्यू, वो टाइम का फंक्शन होगा। दैट विल बी सी ई 1 - e raised to the power - t/tau। इतना आपको आना चाहिए। नाउ किसी टाइम टी पे जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर में वो होगा क्यू। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसी टाइम पे, दैट विल बी q² / 2c। चार्ज अगर क्यू है कैपेसिटर में देन उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी q² / 2c। सो ये कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू ये रही, इसको स्क्वायर कर दो। सो इट विल बिकम c² e² 1 - e raised to the power - t/tau। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2c। सो ये एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। सो यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है c² / 2 1 - e raised to the power - t/tau और इसका स्क्वायर। नाउ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम कब आएगा इस सर्किट में, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, है ना। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इस सर्किट में इक्विलिब्रियम आएगा जब आपका जो करंट है इस सर्किट में जीरो हो जाएगा और जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम में ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट इक्विलिब्रियम विल बी हाफ सी ई स्क्वायर, है ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट इक्विलिब्रियम, और आप इसको मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी कह सकते हो जो कि टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आएगी। नाउ आपको वो टाइम निकालना है जब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है हाफ सी ई स्क्वायर, इसका आधा होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, वो टाइम हमें निकालना है। सो यू की वैल्यू हो जाएगी 1/4 ऑफ सी ई स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर बाई टू 1 - e raised to the power - t/tau और इसका स्क्वायर। सो सी ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2। सो 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 - e raised to the power - t/tau और इसका स्क्वायर। सो एक काम करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। सो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा। सो ये कितना होगा, 1/√2 दैट इज 0.7, राइट। सो 0.7 दैट इज इक्वल टू 1 - e raised to the power - t/tau। तो यहाँ से आप देखो e raised to the power - t/tau की जो वैल्यू आएगी 1 - 0.7 विच इज 0.3। सो -t/tau दैट इज इक्वल टू ln 0.3, ln 0.3, और यहाँ से जो t की वैल्यू आई, अच्छा आप एक काम करो ln 0.3 निकाल लो। तो आप देखो 0.3 और इसका मैं अगर ln लेता हूँ सो -1.2 आ रहा है। सो दिस इज -1.2। सो -t/tau की वैल्यू कितनी है, -1/2। इट मीन्स t/tau इज इक्वल टू 1.2। सो यहाँ से जो टाइम आ रहा है दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ टाउ। सो कितने टाइम कॉन्स्टेंट निकल जाएंगे, दैट इज 1.2, है ना। आंसर विल बी 1.2। लाइक आपको पूछा है कि कितने टाइम कॉन्स्टेंट निकल जाएंगे इस टाइम तक, यू नो, बिफोर द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू और इक्विलिब्रियम वैल्यू। सो 1.2 टाउ, 1.2 टाइम्स ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। सो जो कोफिशियंट है ना टाइम कॉन्स्टेंट का, उतने ही टाइम कॉन्स्टेंट पास होंगे। सो आंसर विल बी 1.2 टाइम कॉन्स्टेंट पास होंगे बिफोर द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम वैल्यू। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड।